एक समय था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था। यही नहीं, यहाँ के लोग इन माफियाओं का नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। सालों तक तो यूपी में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। क्राइम की दुनिया में इन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन अपराध जगत को कभी छोड़ ही नहीं पाए। राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही तस्वीर बदलने लगी। चाहे अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, इनके काले कारनामे सामने आने लगे। योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कोर्ट से इनके किए की सजा मिली, यहाँ तक कि सब ठीक था। लेकिन इसी साल 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया था। उस रात अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज ले जाया गया। इसी दौरान उन्हें गोलियों से भून डाला। आरोपियों ने धाएं 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 गोलियां चलाई और मौके पर ही दोनों भाइयों की मौत हो गई। इस हत्या ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, क्योंकि अतीक ने अपनी जान को पहले ही खतरा बताया था। लेकिन बावजूद इसके उसकी सुरक्षा में इतनी चूक कैसे हुई? वहीं दूसरी तरफ अब अतीक अहमद के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार को भी वही चिंता सता रही है जो अतीक को थी। दरअसल मुख्तार और उसके परिवार को लगता है कि उसकी भी हत्या हो सकती है। बता दूं कि वैसे तो मुख्तार अंसारी को कई मामलों में सजा हो चुकी है, वो सालों से बांदा जेल में बंद है। कुछ समय पहले मुख्तार ने कोर्ट से उसकी सुरक्षा की अपील करते हुए कहा था जेल के अंदर वो सुरक्षित नहीं है। इसी के चलते अब एक बार फिर मुख्तार अंसारी के बेटे ने अपने पिता की सुरक्षा को लेकर कोर्ट से गुहार लगाई है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उमर ने अपने पिता की जान को गंभीर खतरा बताया है और उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से किसी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। उमर ने कहा, जेल में उनके पिता के खिलाफ जान से मारने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश में सरकारी प्रतिष्ठानों और एजेंसियों से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। याचिका में उमर अंसारी ने राज्य सरकार के खिलाफ भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। याचिका में उन्होंने कहा है, राज्य सरकार उनके परिवार का लगातार उत्पीड़न कर रही है। यही नहीं, कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी ने खुद भी कई बार अपनी जान को खतरा बताया है। मुख्तार ने कुछ समय पहले डर जताया था कि यूपी का एक और डॉन ब्रिजेश सिंह और माफिया सुंदर भाटी गैंग का बंदी रक्षक अजीत गौतम जेल में उसकी हत्या कर सकता है। अजीत गौतम पहले सोनभद्र जेल में बंद रक्षित थे, लेकिन बाद में उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। इस बात से ही मुख्तार अंसारी का डर बढ़ गया है। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अजीत गौतम को बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए तो नहीं भेजा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं हिमांशु गर्ग, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जेनिट टाइम्स।